पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बिजली और पानी की की प्रॉब्लम्स को लेके कई सारी शिकायतें आ रही हैं। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, जैसे आज भी अखबार में छपा है, 70 जगह ट्रांसफार्मरों से बिजली के ट्रांसफार्मरों से बीजेपी कांग्रेस वाले लोगों ने तेल की चोरी कर ली। जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। जगह जगह से खबर आई है कि कहीं पानी का वॉल्व लेके भाग जाते हैं ये लोग, कहीं सीवर के, जैसे संगम विहार से शिकायत आई, सीवर की पाइपलाइन के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल दिए ताकि वो पूरा पानी बाहर सड़कों के ऊपर आ गया। इतवार तक जगह जगह बिजली के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करेंगे ये लोग, जगह जगह पानी की किल्लत करेंगे, पानी की प्रॉब्लम करेंगे, सीवर की प्रॉब्लम करेंगे। तो मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अपनी इस तुच्छ राजनीति से मेरे दिल्ली के लोगों को परेशान करना बंद करें, दिल्ली के लोगों के साथ इतनी गंदी राजनीति करना बंद करें। आप लोगों की दुश्मनी हमसे है। मेरे घर की बिजली काट लो तुम लोग, मेरे घर का पानी काट लो, मेरे घर का सीवर काट लो, मैं तुमसे लड़ लूंगा, लेकिन मेरे दिल्ली वालों को तुम परेशान करना बंद करो। आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, आने वाले 5 साल में ऐसे ही डेंगू होता रहेगा, चिकनगुनिया होता रहेगा। मच्छर को ये थोड़ी पता है कि मैं ये कांग्रेस वाला है, इसको काट लो, बीजेपी वाला है, इसको मत काटो, ये मच्छर को क्या पता। और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं डेंगू वाला मच्छर हूँ, काट गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है।